सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटेल के 17 फोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक करने लगे इसके अपने फोन में ब्लूटूथ की कनेक्टेड प्रॉब्लम को एंड गाइस पेयरिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपको भी अपने फोन में काफी सारी गाइस प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ब्लूटूथ को लेकर के, तब उसको कैसे ठीक करेंगे दो मिनट में गाइस। तो चलिए, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फोन की सेटिंग में गाइस ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। सबसे पहले आपको देखिए सेटिंग ऑन करना है अपने फोन की एंड आपको यहाँ पे देखिए आपको मोर कनेक्शन में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से गाइस अगर आपके फिर भी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, अपने फोन में सबसे पहले बैक करना है, फिर आपको नीचे में गाइस देखिए ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे रिसेट फोन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए रिसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर गाइस क्लिक करके अपने फोन में ब्लूटूथ की सेटिंग को रिसेट कर लेंगे। इससे गाइस आपके फोन में जो भी ब्लूटूथ को लेकर के जो भी प्रॉब्लम आ रही थी अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार से भी गाइस अपने फोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको सेकंड ट्रिक बताऊंगा, एक बार आप अपने फोन को रिबूट या फिर पावर ऑफ कर लेंगे तो आप इससे भी अपने फोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं डेफिनेटली 2 मिनट में। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।